नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 अगस्त, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अब बिना एनओसी नहीं बनेंगे पुल, अब स्कूल की पूरी जानकारी एक क्लिक में। बिहार को 4 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा। अब व्हाट्सएप पर मिलेगा आपके सभी सवालों का जवाब। भारत में टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज की लिस्ट जारी। रवींद्र उथप्पा ने गिनाई टीम इंडिया के हेड कोच की खूबियां। अब खबरें विस्तार से। आईटीबीपी ने कांस्टेबल के पदों पर निकाली भर्ती। इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी की तरफ से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जैसे कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के तहत 128 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 10 सितंबर। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और कुछ पदों के लिए 25 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। अब स्कूल की पूरी जानकारी एक क्लिक में। कई बार आप एडमिशन करवाना चाहते हैं लेकिन उस स्कूल के बारे में आपको बेसिक जानकारी नहीं होती है, तो अब आप घर बैठे किसी भी विद्यालय का कुंडली खंगाल सकेंगे। बता दें, राज्य सरकार ने 11,000 से अधिक प्राइवेट स्कूलों को क्यूआर कोड प्रदान कर दिए हैं। इन क्यूआर कोड्स के माध्यम से आप किसी भी स्कूल की पूरी जानकारी एक ही क्लिक में प्राप्त कर सकते हैं। क्यूआर कोड के जरिए आम नागरिक अब स्कूल की मान्यता, वर्तमान स्टेटस और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसके बारे में राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने कहा कि क्यूआर कोड सुविधा अब 11,000 से अधिक स्कूलों को मिल चुकी है। जो स्कूल आवेदन करेंगे उन्हें क्यूआर कोड तुरंत मुहैया कराया जाएगा। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे बक्सर के बारे में। यह बिहार का एक जिला है जो वर्ष 1991 में अस्तित्व में आया। यदि आप बक्सर जा रहे हैं या इस जिले में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बक्सर में कई ऐतिहासिक भवन और इमारत और इसके अलावा आप एक से एक धार्मिक स्थल मिल जाएंगे। ये जिला रामायण काल से भी जुड़ा है, तो आपको या रामायण काल से जुड़ी भी कई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बक्सर में आप घूमने के लिए कतकौली का मैदान, बिहारी जी मंदिर, चौसा का युद्ध मैदान, बक्सर किला, नौलखा मंदिर, सीता राम उपाध्याय संग्रहालय, राम रेखा घाट, अहिल्या उद्यान जैसे ऐतिहासिक स्थल देख पाएंगे। भारत में टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लिस्ट जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की NIRF रैंकिंग में देश की टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की एक लिस्ट जारी की गई है। इसके अलावा इनोवेटिव इंस्टीट्यूट की लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें देश की टॉप IIT कॉलेजों को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे का नाम है, वहीं दूसरे स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास का नाम है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद तीसरे स्थान पर है, वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का नाम चौथे स्थान पर है, जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को 5वें स्थान पर जगह मिली है। 6वें स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की को मिली है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को इनोवेशन के मामले में 7वां स्थान मिला है। वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी को 8वां स्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर को 9वां और अन्ना विश्वविद्यालय को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। जाने कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन उपलब्ध पुरानी जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदन। पुरानी जमाबंदी में सुधार के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आप परिमार्जन प्लस पर क्लिक करें, फिर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आवेदन का प्रकार और डिजिटल जमाबंदी में सुधार के अंतर्गत रेक्टिफिकेशन इन ओल्ड जमाबंदी पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ जिस जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदन करना है उस जमाबंदी को सर्च करें और उसे क्लिक करें। यहाँ आप जमाबंदी के पूरे डिटेल्स को देख पाएंगे।
यहाँ अब रैयत का नाम, पिता का नाम और पता आदि से संबंधित सुधार, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, कुल क्षेत्रफल से संबंधित सुधार और लगान से संबंधित सुधार का विकल्प चुने। फिर जमाबंदी में जिस भी बदलाव के लिए आवेदन करना है उसको चुने और क्या बदलाव करने हैं इससे संबंधित विवरण भरें। यहाँ आने के बाद जिस भी सेक्शन में आप सुधार के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसको यस कर दें। आपके सामने एक विवरण बदलने का परपत्र खुल जाएगा। इसमें जो भी बदलाव करने हैं उसे करने के बाद आप इसे अपडेट कर दें। फिर सभी जानकारी को देने के बाद शपथ पत्र को अपलोड कर इसे फाइनलाइज कर दें और इसे सबमिट कर दें। फाइनल सबमिशन के बाद आपको एक पावती संख्या मिलेगी, इससे आप अपने स्टेटस का पता कर सकते हैं। अब 270 फीट ऊँचा होगा रामायण मंदिर। बिहार के पूर्वी चंपारण में कैथवलिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर के लिए एक बड़ी खबर है। महावीर मंदिर न्यास द्वारा इस भव्य मंदिर की ऊंचाई को लेकर मिल रही जानकारी के अनुसार अब इसका मुख्य शिखर 270 फीट ऊंचा होगा। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण यानी सिया ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सिया के इस मंजूरी के पीछे राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सकारात्मक अनुशंसा रही। बता दें कि पहले इस मंदिर की ऊंचाई 225 फीट रखी गई थी जो कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोरवाट मंदिर से थोड़ा अधिक थी। अंकोरवाट मंदिर की ऊंचाई 220 फीट है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुड़ाल ने कहा कि संशोधित ऊंचाई के साथ ये मंदिर और भी भव्य और प्रभावशाली बनेगा। बिहार में अब बिना एनओसी नहीं बनेंगे पुल। बिहार में लगातार ढहते पुलों की समस्या के बीच नीतीश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जल संसाधन विभाग ने पुलों के निर्माण के लिए नया एसओपी लागू करने की घोषणा की है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि अब राज्य में पुल और पुलिया के निर्माण के लिए विभाग की एनओसी लेना अनिवार्य होगा। इस नए एसओपी के तहत पुल और पुलिया की डिजाइन की स्वीकृति भी जल संसाधन विभाग से ही प्राप्त करनी होगी। एसओपी का ये नियम अस्थायी रूप से लागू किया जाएगा और इसके बिना राज्य में कोई भी पुल निर्माण संभव नहीं होगा। बता दें इस कदम से बिहार में पुलों की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार होगा। अब व्हाट्सएप पर मिलेगा आपके सभी सवालों का जवाब। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए नया एआई फीचर पेश किया है जिसका नाम मेटा एआई है। ये फीचर चैटिंग को और भी आसान और मज़ेदार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप व्हाट्सएप पर किसी से बात करेंगे तो सर्च बार के पास एक एआई आइकन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप एआई चैट बॉक्स में जा सकते हैं जहाँ आप अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं और चैट के लिए सुझाव भी प्राप्त कर सकते हैं। ये फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें ये समझने में दिक्कत होती है कि क्या लिखें या कैसे बात करें। स्मार्ट चैटिंग और समय की बचत के साथ ये नया फीचर व्हाट्सएप के चैटिंग अनुभव को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रहा है। पीएम मोदी का बुलावा, दिल्ली जाएंगी दो जीविका दीदियाँ। बिहार के बेगूसराय जिले की दो जीविका दीदियां निशा कुमारी और रीना देवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष बुलाए पर 15 अगस्त में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रही हैं। ये पहली बार है जब ये दोनों दीदियां दिल्ली की यात्रा कर रही हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। निशा कुमारी जो कि मटिहानी की निवासी हैं, उन्होंने हैदराबाद से ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग ली है और अब खेतों में खाद का छिड़काव ड्रोन से करती हैं। वहीं रीना देवी जो बरौनी की निवासी है, उन्होंने सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जीविका से मिले ऋण की सहायता से उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफल रही। दिल्ली जाने के इस खास अवसर पर रीना देवी के पति को भी साथ जाने का मौका मिला है जिससे उनकी खुशी में और चार चांद लग गए हैं। दोनों दीदियाँ 2014 से जीविका से जुड़ी हैं और अब ये बिहार का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन नंबर ऐसे करें अपडेट। क्या आपने भी ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से लिंक मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं किया है तो ऐसे में अब आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। बता दें वाहन रजिस्ट्रेशन में नंबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं। इसके बाद वाहन संबंधित ऑनलाइन सेवाओं के लिए चयन करें, व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें, RTO सेलेक्ट कर आगे प्रोसीड का विकल्प क्लिक कर ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प सेलेक्ट करें, अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करें। इसके बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट भरें।
अब आधार नंबर डालने के बाद OTP मिलेगा, जिसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप घर बैठे वाहन रजिस्ट्रेशन में आप अपना नंबर अपडेट करवा सकते हैं। और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस में नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा वेबसाइट sarthi.parivahan.gov.in पर। ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें, इसके बाद राज्य का नाम सिलेक्ट करें, मोबाइल नंबर अपडेशन सिलेक्ट करें, आधार नंबर डालें। अब इसके बाद जो OTP आएगा उसको डालें, इसके बाद आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। ये जानकारी हमें IPRD के जरिए प्राप्त हुई है। इस बार घर बैठे ही पोस्ट ऑफिस से मंगाएं तिरंगा। 15 अगस्त को हर साल भारत आज़ादी का त्यौहार मनाता है। इस बार देश 18वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। 15 अगस्त 1947 को पहली बार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराया था। तब से यही परंपरा जो है चली आ रही है और हर साल इस दिन प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। ऐसे में लाल किले से तिरंगा फहराने का ये सिलसिला जो है पिछले 77 सालों से चला आ रहा है। तो इस 15 अगस्त के अवसर पर अगर आप भी तिरंगा खरीदना चाहते हैं तो घर बैठे ही ऑनलाइन तिरंगा मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पर जाकर तिरंगा ऑर्डर किया जा सकता है। इसके लिए आपको ₹25 चुकाने होंगे। तो इस तरह से आप घर बैठे तिरंगा मंगा सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शारदा सिन्हा के बारे में। शारदा सिन्हा बिहार की एक लोकप्रिय गायिका हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर वर्ष 1952 में बिहार के सुपौल जिले में हुआ था। इन्होंने बिहारी भाषा, बज्जिका, भोजपुरी के अलावा हिंदी में कई गीत गाए हैं। इन्होंने कई प्रसिद्ध हिंदी फिल्में जैसे मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और गैंग्स ऑफ वासेपुर में गाना गाया है। इसके अलावा बिहार के प्रसिद्ध छठ पर्व के लिए भी इन्होंने कई गाने गाए हैं। लोक गीतों में इनकी मधुर आवाज़ को सुनकर कई लोग इन्हें बिहार की कोकिला भी कहते हैं। इन्हें इनके सराहनीय कार्य के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। BPSC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। पटना में BPSC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बता दें कि TRE3 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी BPSC दफ्तर के बाहर पहुंचे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में नोकझोंक हुई। इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता दिलीप कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वही दिलीप कुमार को रिहा करने को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप का होगा कायाकल्प। केसरिया स्तूप को आधुनिक रूप देने के लिए सरकार ने योजना तैयार की है। बता दें कि केसरिया स्तूप के चारों ओर 8 बौद्ध स्थल की रिप्लिका बनाने की तैयारी है। केसरिया स्तूप के इर्द गिर्द पर्यटकों के लिए तमाम तरह की सुविधाओं को बहाल किया जा रहा है। इसको लेकर पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि केसरिया स्तूप को अंतर्राष्ट्रीय साइट के रूप में हम विकसित करने जा रहे हैं। कई तरह की सुविधाओं को वहां बहाल किया जा रहा है। इसके अलावा देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कैफेटेरिया पार्किंग के अलावा तमाम बौद्ध स्थल के रिप्लिका का निर्माण कराया जा रहा है। के जरिए में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं, जिस वजह से सरकार ने साइट को डेवलप करने का फैसला लिया है। बता दें कि कुल 19,77,00,000 की लागत से पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा। पुल बनाने वाले इंजीनियरों की स्पेशल ट्रेनिंग शुरू। पुलों के अचानक ध्वस्त होने की घटनाओं के बाद बिहार सरकार ने पुलों के रखरखाव को लेकर ठोस कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग के आला अधिकारियों को पुलों के रखरखाव को लेकर सक्रियता बरतने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पथ निर्माण विभाग ने अब अपने इंजीनियरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस प्रशिक्षण के तहत पुलों के रखरखाव की नई तकनीकों और उपायों को लेकर इंजीनियरों को गहन जानकारी दी जा रही है। पुल क्षेत्र के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ VK रैना को बिहार बुलाकर अभियंताओं को सामूहिक रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत 80-80 अभियंताओं के समूह बनाए गए हैं, जिसमें बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के इंजीनियर भी शामिल हैं। इस पहल से उम्मीद है कि पुलों की सुरक्षा को लेकर पहले की अपेक्षा बेहतर प्रबंधन होगा और आने वाले समय में पुलों के ध्वस्त होने की घटनाओं में कमी आएगी। बिहार को 4 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव की जमकर तारीफ की। सम्राट चौधरी ने कहा कि पथ निर्माण मंत्री रहते हुए नंद किशोर यादव ने एनडीए सरकार के दौरान जो विकास की नींव रखी थी उससे प्रभावित होकर पीएम मोदी ने बिहार को 4 नए एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। इन एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद राजधानी पटना पहुंचने का समय 5 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस दौरान विधान ऑडिटोरियम में नंदकिशोर यादव की पुस्तक विकास के प्रतिमान का लोकार्पण भी किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि ये पुस्तक 2005 से पहले और बाद के कालखंड को समझाने में सहायक साबित होगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भी नंदकिशोर यादव के संघर्ष और मेहनत की सराहना की और कहा कि उन्होंने अपने कर्मों से शून्य से शिखर तक का सफर जो है तय किया है। आज इन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिनों में बारिश की यही स्थिति रहने वाली है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं गोपालगंज, सिवान, बक्सर, कैमूर और रोहतास जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर 32 से 34 डिग्री और कुछ जगहों पर 34 से 36 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तो कुछ जगहों पर 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। नम आंखों से की गई शहीद जवान की अंतिम विदाई। भारतीय सेना के जंबाज जवान शहीद दीपक यादव की अंत्येष्टि पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बता दें, सुरेश राय के 30 वर्षीय पुत्र शहीद दीपक यादव भारतीय सेना में हवलदार के पद पर तैनात थे। बिहार के छपरा के नौवा कला गांव के रहने वाले दीपक कुमार 30 साल के थे। 9 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। दीपक कुमार जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में उस समय शहीद हुए जब उनकी आतंक से मुठभेड़ हो गया। दीपक कुमार लगातार आतंकियों से लड़ते रहे और अंत में आतंकी की गोलियों का शिकार हो गए। दरभंगा में एम्स के लिए 150.13 एकड़ जमीन का हस्तांतरण। दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने एकमी शोभन बाईपास पर 150.13 एकड़ जमीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दी है। इस भूमि हस्तांतरण के साथ ही राज्य के दूसरे एम्स की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बिहार के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत ने इस प्रक्रिया में किसी भी बाधा की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि परियोजना के लिए शेष 37.31 एकड़ जमीन अगले हफ्ते ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस मौके पर स्वास्थ्य भवन में स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव शशांक शेखर सिन्हा ने कहा कि एम्स दरभंगा के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माधवानंद कर को भूमि हस्तांतरण के लिए कागजात सौंप दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य भवन में उपस्थित बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी इस परियोजना के प्रति अपनी सकारात्मकता व्यक्त की है। मंत्री जमाखाने विभाग में हो रहे कार्यों की दी जानकारी। आज सूचना भवन में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने अपने विभाग में हो रहे कामों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में अनेक विभाग में और क्या कुछ होना है। इस दौरान जमा खान ने बताया कि बिहार सरकार अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण करवाएगी ताकि बच्चों के पठन पाठन में किसी तरह की समस्या ना हो। जमा खान ने यह भी बताया कि साल 2024-25 में विद्यालय के निर्माण हेतु कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। नालंदा, जमुई, कैमूर जिलों में अल्पसंख्यक विद्यालय का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि 12 जिलों में आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 13 विद्यालयों के संचालन के लिए शैक्षणिक पर बहाली प्रक्रिया चल रही है। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पर 481 पदों पर बहाली होगी। पीके ने बताया अपना मास्टर प्लान। बिहार में नई पार्टी की शक्ल लेने जा रही जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि वे बिहार के चुनाव में जनसुराज की पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार या चेहरा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को खुले मंच पर चुनाव के जरिए पार्टी का नेतृत्व और चेहरा सामने आ जाएगा। साथ ही उन्होंने पर्दे के पीछे से पार्टी चलाने की मंशा को खारिज करते हुए पार्टी में प्रशांत किशोर की भूमिका भी तय होगी। 2 अक्टूबर को पार्टी गठन के बाद वे 3 अक्टूबर से फिर गांव-गांव में पदयात्रा करते नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा चुनाव तक लोगों को समझाते रहेंगे कि इस चुनाव में वे अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दें। रॉबिन उथप्पा ने गिनाई टीम इंडिया की हेड कोच की खूबियां।
गौतम गंभीर ने बतौर हेड कोच अपने कार्यकाल का शानदार आगाज किया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने श्रीलंका का 3 मैचों की T20 सीरीज में सुपड़ा साफ कर दिया। हालांकि रोहित शर्मा की अगुवाई वाली वनडे टीम को झटका लगा। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 0-2 से गंवा दी। एक मैच टाई रहा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने इस स्थिति पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर एक बेहतरीन रणनीतिकार और लीडर हैं जो खिलाड़ियों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेंगे। उथप्पा ने यह भी बताया कि गंभीर ने हमेशा बड़े अवसरों पर अच्छा प्रदर्शन किया है और वे अपने खिलाड़ियों को सुरक्षा और समर्थन प्रदान करने वाले लीडर रहे हैं। बता दें, श्रीलंका दौरे के बाद भारतीय खिलाड़ियों को अब 43 दिनों का ब्रेक मिलेगा। इसके बाद भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है, जो भारतीय सरजमी पर 19 सितम्बर से 12 अक्टूबर तक आयोजित होगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने गौतम गंभीर के बारे में जो खूबियां गिनाई है, इस पर आपकी क्या राय है? कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन वर्ष 1784 में भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए पिट्स इंडिया विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1951 में भारत में निर्मित पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेनन 2 ने पहले उड़ान भरी थी। आज ही के दिन वर्ष 1956 में लोकसभा में राष्ट्रीय राजमार्ग विधेयक पारित हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 2008 में विश्व की प्रमुख इस्पात कंपनी टाटा स्टील ने वियतनाम में संयुक्त रूप से इस्पात परिसर के निर्माण के लिए वहाँ की 2 प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता किया था। आज ही के दिन वर्ष 2008 में भारत ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हथियार प्रणाली पिनाक का सफल परीक्षण किया था। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने दी खुशखबरी। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि अब भी चंद्रयान 3 का ऑर्बिटर काम कर रहा है और चंद्रयान 4 की डिजाइन का काम भी पूरा हो गया है और इसे 2028 तक लॉन्च करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि इस मिशन का मकसद चंद्रमा पर जाकर वहां से सैंपल जुटाकर वापस आना है। आपको बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग में अब तक सिर्फ 4 ही देश सफलता प्राप्त कर सके हैं। चंद्रयान 3 के बाद इस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आप कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में शोभना रनाडे का निधन हुआ था, वे कौन थी? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है अभिनेत्री, ऑप्शन सी है क्रिकेटर और ऑप्शन डी है सामाजिक कार्यकर्ता। इसका सही आंसर होगा सामाजिक कार्यकर्ता। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक, ऑप्शन डी है ए और बी। इसका सही आंसर होगा कांस्य पदक। हाल ही में बोइंग से किसे अपना नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है दिलीप अनुरागी, ऑप्शन बी है मनीषी सिंह, ऑप्शन सी है केली ऑटबर्ग और ऑप्शन डी है संजीव वर्मा। इसका सही आंसर होगा केली ऑटबर्ग। बिहार शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन ए है बौद्ध मठ, ऑप्शन बी है जंगल, ऑप्शन सी है मंदिर, ऑप्शन डी है प्राचीन राज्य। इसका सही आंसर होगा बौद्ध मठ। बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए है परमान डॉल्फिन, ऑप्शन बी है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, ऑप्शन सी है नामे दमे अभयारण्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनका नाम है मुन्ना प्रसाद, वेद प्रकाश सिंह, नुन्नू गोलू कुमार, कस्तूरी शर्मा, मंजीत कुमार, राम बाबूदास, मंजीत कुमार, भरत प्रसाद, रंजीत मिश्रा, विवेक पंडित, नीतीश कुमार सिंह, एजाज खान, रवि कुमार राम, संघर्ष कुमार, संजय कुमार शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके लिए सुंदरता का क्या मतलब है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।